सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। ये पार्ट थर्ड होने वाला है। अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमने जोधपुर से और पीपाड़ रोड जंक्शन तक कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइज, अभी हम रवाना हो चुके हैं पीपाड़ रोड जंक्शन से, और आपने अभी तक आपको पता लग गया होगा कि पीछे तक कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम रवाना हुए हैं पीपाड़ रोड जंक्शन से, और यहाँ पर भी फाउंडेशन का वर्क कम्प्लीट किया जा चुका है। सामने आप देख सकते हो फाउंडेशन बना दिए गए हैं। जैसे हम पीपाड़ रोड जंक्शन से रवाना होते हैं तो आप इस वाले लोकेशन पर सामने देख सकते हो, यहाँ पे सब स्टेशन बनाया जा रहा है काफ़ी बड़ा। आप इस साइड सामने देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सब स्टेशन बनाया जा रहा है, और वर्क भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। आप रेगुलर करते हैं इस वीडियो को, जो भी आपको बताने का आपका रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जब भी आपका कुछ डाउट्स रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका कुछ भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। सो गाइस, पीपाड़ रोड जंक्शन से यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है, तो आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो यहाँ से पोल्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मेड़ता रोड की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हम अभी मेड़ता रोड की ओर जा रहे हैं, और पोल्स का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो आप, पोल्स लगा दिए गए हैं, 90 डिग्री पर भी खड़ा कर दिया गया है, परंतु स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क अभी नहीं किया गया है पीपाड़ रोड जंक्शन पर। यहाँ पे स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स नहीं लगाए गए हैं, ओनली पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। आप रेगुलर करते हैं इस वीडियो को, और आप देख सकते हो यहाँ पे पोल्स कम्प्लीट लगा दिए गए हैं। सो गाइस, पीपाड़ रोड जंक्शन के अराउंड 4 किलोमीटर बाद आप यहां पर देख सकते हो पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है। कुछ जगह पोल्स भी नहीं लगाए गए हैं, और पोल्स लगा दिए गए हैं तो, परंतु इन्हें 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, ओनली चैम्बर्स में रख दिया गया है पोल्स को। 90 डिग्री पर खड़ा करने का काम अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखते हैं किस जगह से 90 डिग्री पर पोल्स को खड़ा किया गया है। सो गाइस, साथिन रोड रेलवे स्टेशन से पहले आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो, यहाँ पे पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा करने का काम किया जा रहा है। इस वाले लोकेशन पर आप देख सकते हो पोल्स को 90 डिग्री पर अभी खड़ा किया जा रहा है, और आपको मैंने दिखाई दिया है कि पीपाड़ रोड जंक्शन से अराउंड 4 किलोमीटर बाद अभी पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, ओनली चैम्बर्स में रख दिया गया है, और 90 डिग्री पर खड़ा करने का काम अभी किया जा रहा है यहाँ पर। अभी हम साथिन रोड रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हो, यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क कम्प्लीट किया जा चुका है। और जो भी आपका डाउट्स रह जाए, पीछे भी आपका कोई भी डाउट्स रह जाए पीपाड़ रोड जंक्शन से और साथिन रोड रेलवे स्टेशन का बीच, कुछ भी आपका डाउट्स रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब रेगुलर करते हैं इस वीडियो को। गाइस, साथिन रोड रेलवे स्टेशन के स्किप के बाद आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो, यहाँ पे 4 पोल्स को अभी 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, ओनली चैम्बर्स में रख दिया गया है, परंतु 4 पोल्स के बाद पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया है। अब ये तो पता नहीं कि किस कारण से इसे 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, पर आगे सभी पोल्स को 90 डिग्री पर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, परंतु स्टेटोप और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क अभी यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं किया गया है।
अभी हमने स्किप किया है उम्मेद रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले लोकेशन पर यहाँ पे एक सब स्टेशन बनाया जाएगा जो कि अभी यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। और उम्मेद रेलवे स्टेशन स्किप के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है, ओनली चैम्बर्स में रख दिया गया है। और कुछ दूर बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया है। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि स्टेशनों पर अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, जो कि अभी तक अपन ने ये वीडियो यहाँ तक कवर किया, अभी तक यहाँ पर आपने एक भी स्टेशन पर पोल्स नहीं देखे होंगे। यानी उम्मेद रेलवे स्टेशन पर भी अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, पीपाड़ रोड जंक्शन पर भी अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, और अदर और स्टेशन पर भी अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं। ओनली रायकाबाग पहले जंक्शन पर ही पोल्स लगाए गए हैं, उसके बाद किसी भी स्टेशन पर यहाँ पर पोल्स नहीं लगाए गए हैं अभी तक यहाँ तक अपन ने वीडियो कवर की है। पर आपको वीडियो रेगुलर देखनी है क्योंकि आगे आपको स्टेशन ओवर पोल देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो गाइज अभी हमने स्किप किया गोटन रेलवे स्टेशन और आपने देखा होगा कि अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, परंतु गोटन रेलवे स्टेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले लोकेशन पर आप देख सकते हो पोल्स लगा दिए गए हैं। यानी पोल्स को 90 डिग्री पर भी यहाँ पे खड़ा किया जा चुका है, परंतु स्टेट ऑफ ब्रेक ट्यूब्स का काम यहाँ पर भी अभी स्टार्ट नहीं किया गया है गोटन रेलवे स्टेशन के बाद। सो गाइज गोटन रेलवे स्टेशन से अराउंड 5-6 किलोमीटर के बाद आप इस लोकेशन पर देख सकते हो पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स लगा दिए गए हैं। फिर हम कुछ डिस्टेंस बाद आप यहां पर भी देख सकते हो यहां पर पोल्स ही लगाए गए हैं, स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स नहीं लगाए गए। मतलब कुछ पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स लगा दिए गए हैं, कुछ पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स नहीं लगाए गए। फिर हम कुछ डिस्टेंस बाद आप यहां पर भी देख सकते हो यहां पर पोल्स भी नहीं लगाए गए, ओनली फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया गया है। क्योंकि अभी आने वाला है जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन, हम स्किप करने वाले हैं जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन। और आपको मैं बता देता हूं जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन पर फाउंडेशन का वर्क ही कंप्लीट किया गया है, क्योंकि अभी स्टेशन का भी वर्क चल रहा है जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन पर। अब मिलते हैं आपको जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन के स्किप के बाद। जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन के बाद आप यहां पर देख सकते हो पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क यहां पर कंप्लीट किया जा चुका है। पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स लगा दिए गए हैं यहां पर आप देख सकते हो। पर आपको मैं पहले ही बता देता हूं मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन से पहले पोल्स ही लगाए गए हैं, पोल्स पर स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। ओनली मेड़ता रोड से और जोगीमंगरा रेलवे स्टेशन के बीच का ही लोकेशन पर अभी स्टेट ट्यूब और ब्रेक ट्यूब्स का वर्क कंप्लीट किया गया है। सो गाइज अभी हम अराइवल ले रहे हैं मेड़ता रोड जंक्शन पर, और आप इस वाले लोकेशन पर देख सकते हो आई थिंक यहाँ पे एक सब स्टेशन बनाया जाएगा। और इसके बाद आप ये वाले पोल्स देख सकते हो, इस वाले पोल्स के बाद अभी
किसी भी पोल्स को यहाँ पर 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया गया है मेरठ रोड की ओर, ओनली इसी पोल्स को 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। इसके बाद ये वाला पोल्स देख सकते हो आप, इसे ओनली चैम्बर्स में रख दिया गया है। पोल्स को अभी यहाँ पर 90 डिग्री पर खड़ा करने का काम स्टार्ट नहीं किया गया है। जैसे हम मेरठ रोड की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप इस वाले फर्स्ट पोल को देख सकते हो, ओनली पोल्स को चैम्बर्स में रख दिया, 90 डिग्री पर खड़ा करने का काम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। और स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ओनली फाउंडेशन का वर्क ही अभी यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपका कुछ भी डाउट्स रह गया हो जोधपुर से मेरठ रोड तक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट्स आपका नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।